हेलो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा था हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, जहां पे हम लोगों ने एल्कीन का दो केस स्टडी किया था। फर्स्ट केस क्या था, सिमेट्रिकल एल्कीन, और सेकंड क्या था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल बनाना तो काफी इजी प्रोसेस था, लेकिन वहीं अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दौरान हमें एक बस छोटा सा रूल ध्यान में रखना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉप्स रूल। वो रूल क्या कहता है कि हमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल जो क्या है स्टेबल कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को पिक करना है, उसी को अंडर कंसिडरेशन लेना है, और उसी के साथ हम लोग को फर्दर क्या करना है, रिएक्शन कराना है, एंड फाइनली वी विल गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये गाइस कुछ बातें थे रिगार्डिंग प्रीवियस लेसन। अब चलिए गाइस इस लेसन में अब हम लोग क्या बात करेंगे। जैसा कि गाइस प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था कि हम लोग एल्कोहल्स को बहुत सारे मेथड्स के थ्रू फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा, वी हैव टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। इस लेसन में हम लोग देखेंगे हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो अब चलिए गाइस आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और फिर से एक नोटिस दे देना चाहता हूं कि मेरा अन अकेडमी पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कोर्स में अभी लगातार मैं लेसन डालते जा रहा हूँ। अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार कॉन्सेप्ट फिर अच्छे से देखना चाहते हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहते हो आईआईटी एडवांस और मेंस लेवल का, तो आप मेरा वो कोर्स देख सकते हैं। मैं वो कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर गाइस हम लोग एल्कोहल बनाते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो सिंपली क्या है हमारे पास, देखिए एल्काइल हैलाइड है, क्लियर। एल्काइल हैलाइड से हमें अपना जर्नी स्टार्ट करना है, एल्काइल हैलाइड, और इसका डेस्टिनेशन इतनी हमें पहुंचना कहां पे है, हमें पहुंचना है गाइस एल्कोहल पे, एल्कोहल पे, क्लियर। यहां तक बातें क्लियर होगी। अब गाइस सबसे पहले बात आती है, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, देखिए कुछ नहीं करते हम, बिल्कुल एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं आर एक्स। आर क्या हो गया, एल्काइल, और एक्स मतलब क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे एल्काइल हैलाइड। वैसे इसके बारे में, एल्काइल हैलाइड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर चुका हूँ हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर में, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग इस पूरे चैप्टर को हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो वहां पे क्या है, वहां पे मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड के बारे में बहुत डिटेल। तो ये एल्काइल हैलाइड हम लोग सिंपली लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा गाइस, जैसे हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और ये क्या लेते हैं, एक्वस लेते हैं, क्लियर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा गाइस, एक्स हटेगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ OH जाके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर ओ एच बन जाएगा, और प्लस गाइस ये क्या आ जाएगा, एच और एक्स साथ में जुड़ जाएगा, क्लियर। अब गाइस आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ही हो गया हमारा एल्कोहल। तो ये तो बहुत इजीली हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर लिया, एल्काइल हैलाइड लिए इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज इन द एक्वस फॉर्म, क्लियर, और फाइनली वी विल गेट आवर डिजायर प्रोडक्ट दैट इज एल्कोहल। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉज बताना चाहता हूं, आई होप गाइस वो आपके आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर करा देता हूं, ठीक है। वो क्या है गाइस, आप ये सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था अभी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस, बहुत सिंपल है, जिसको हम लोग उठाएंगे एक सिस्टम में, क्या एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लोग सिस्टम से हटाएंगे, और जिस प्लेस पे वो ग्रुप था सिस्टम में उसी प्लेस पे हम नया कोई ग्रुप लाके उसी के जगह पे रखेंगे, बाकी हम लोग बाकी का जो ग्रुप जो है जो भी उस सिस्टम है उसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे। जैसे क्या है, आर एक्स था, तो ये कंप्लीट एक सिस्टम है, इसमें क्या है गाइस, इसमें एक्स एक ग्रुप है और ये आर एज इट इज रहेगा, इसमें से क्या कि एक्स को उठाए सिस्टम से और आउट किए, और एंट्री किसका कराए, ओएच का कराए, तो ओएच कुछ इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ये आर आर ही रहेगा और सीधे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ओएच आ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन क्या करते हैं गाइस, सब्स्टिट्यूशन, मींस किसी एक की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर। तो ये बातें होंगी रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन क्यों नहीं किए, तो गाइस यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर और भी कोई साल्ट हो, जैसे क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, जब ये सब किस फॉर्म में रहे, एक्वस फॉर्म में रहे, ठीक है, एक्वस फॉर्म में रहे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्वस फॉर्म में रहे, तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है गाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑलवेज टेक्स प्लेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि अगर यही रहे, ठीक है, और ये क्या हो जाए, एक्वस की जगह एल्कोहलिक हो जाए और एल्कोहलिक फॉर्म हो जाए, तब कौन सा रिएक्शन होगा गाइस, तब होगा एलिमिनेशन रिएक्शन,
एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, चलिए उसके पीछे का लॉजिक हम लोग जानते हैं। मैकेनिज्म तो क्या बताए, मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल है, ये यहाँ से ब्रेक करेगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये एक्स माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो ये ओ एच नेगेटिव रहेगा और इस पे आर प्लस आ जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ये आर प्लस क्या हो जाएगा इस सिस्टम का क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल, और ओ एच क्या हो जाएगा इस सिस्टम का न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल इसके इलेक्ट्रोफाइल में अट्रैक्शन होगा और आर ओ एच का फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज एल्कोहल। यहाँ एक्स नेगेटिव निकला, इधर का न्यूक्लियोफाइल इस सिस्टम का ये हुआ और के प्लस इस सिस्टम का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये हुआ, ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा गाइस एच क्या हो जाएगा गाइस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स हो जाएगा, ये आप सही कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा के आ जाएगा यहाँ पे और ये एक्स जाके जुड़ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से कुछ बातें हो जाएंगी, कुछ ऐसे हैलाइड के यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब गाइस ये तो बहुत सिंपल था कि कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। इस पे डायरेक्ट क्या होता है कि आईटी कभी कभी डाल देता है KOH एक्वस फॉर्म और कभी एक्वस की जगह अल्कोहलिक डाल देगा। अगर आपको क्लियर ही नहीं है तो आप क्या सोचोगे, आप एक्वस देखो या फिर अल्कोहलिक देखो, आप क्या करोगे, अगर आपको मूड करेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन करा दोगे, नहीं मूड करेगा तो एलिमिनेशन कराओगे, लेकिन क्यों होगा इसके पीछे का तो आपको लॉजिक पता ही नहीं है। अगर आपको लॉजिक पता ही नहीं है, बेस पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप रॉन्ग ही स्टेप करोगे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं, बाकी इस टॉपिक में और कुछ खास है नहीं, बस ये टॉपिक देख लो आप और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ये KOH है, क्लियर। ये KOH का किसके साथ हो रहा है, एक्वस फॉर्म में, तब क्या होगा एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पे मैंने क्या बोला सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा उस चीज को समझते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज के और OH इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, के पे ऑब्वियसली क्या रहेगा प्लस चार्ज रहेगा, ये तो आप लोग जान रहे होगे, के पे क्या होगा प्लस चार्ज रहेगा, क्लियर। के पे यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और OH पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया वाटर, ऑब्वियसली तो वाटर का क्या ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा दो लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर होने के कारण क्या होगा यहाँ पे स्लाइटली आ जाएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, क्लियर। अब क्या होगा इस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली इनके बीच क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है। अब क्योंकि क्या हो रहा है बहुत सारे इस तरह के बॉन्डिंग बनेंगे, क्लियर, एक नहीं बनेगा बहुत बनेगा, तो एक और इधर से भी फिर हम लोग बनाते हैं, इधर से भी फिर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ये तो हम लोग स्टडी समझने के लिए, यहाँ पे आपको समझाने के एक या दो या तीन बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है क्योंकि फिर पूरा आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड बने होंगे, तो यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा डेल नेगेटिव, यहाँ डेल प्लस, फिर इनके बीच क्या होगा अट्रैक्शन होगा, इसी तरह से चीज बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे सपोज कीजिए ऊपर में भी हो गया, ऊपर में भी मैं आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ हो गया कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ वो इसलिए आ रहा है आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्योंकि वाटर में देखिए ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो इसलिए नेगेटिव जो होगा वही इसके करीब आ जाएगा। अब बाकी ये पॉजिटिव ये हाइड्रोजन क्यों इससे पोटेशियम से दूर भाग रहा है क्योंकि ये दोनों का सेम चार्ज हो जाएगा, इस पे डेल प्लस इस पे भी प्लस है तो रिपल्सन होगा, इसी कारण रिपल्सन कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन जो है पोटेशियम से काफी दूर रहेगा, जितना मैक्सिमम हो सके दूर, जितना कम से कम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन हो, तो मिनिमम रिपल्सन क्या होगा मैक्सिमम पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर हम लोग ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, तो कुछ इस तरह से सीन हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस इस केस में क्या हुआ गाइस कि यहाँ का जो है ये पोटेशियम जो है ये काफी इसके ये वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना रहा है, बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा ये स्टेबल हो जाएगा, उसके कारण ये जो है ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। अब गाइस ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली OH आराम से इजिली क्या हो सकता है हमें OH नेगेटिव इट मीन हाइड्रोक्साइड एनायन जो है वो हमें इजिली मिल जाएगा गाइस। तो अभी जस्ट हम लोगों ने रिएक्शन क्या देखा था, RX का किसके साथ था, ऑब्वियसली यहाँ पे RX का OH के साथ था, तो यहाँ से OH हमें तुरंत मिल गया और ये तो लिविंग ग्रुप है ये तुरंत टूट गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये इससे अटैक कर रहा है ये इससे कर लेगा, तो इजिली हो गया, मतलब किसी तरह का देर नहीं लगा, काफी स्टेबल ये पोटेशियम काफी स्टेबलाइज हो गया इसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसी कारण क्या होता है गाइस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये अल्कोहलिक फॉर्म में रहेगा तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है, तब ये एलिमिनेशन क्यों करता है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा अल्कोहलिक फॉर्म
किसका हो जाएगा, एल्कोहलिक फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्कोहलिक फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका थोड़ा आप डायग्राम खींच के ही हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग रखते हैं R और H, ये हो दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज आपका, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दो लोन पेयर होने के कारण डेल नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डेल प्लस आ गया, यहाँ पे डेल प्लस आ गया। अब गाइस क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है, यहां तक आप लोग सोच रहे हो करेगा। तो इशू क्या होगा, इशू ये बनेगा गाइस कि प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे कुछ इस तरह से क्या हो रहा था, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, ऑब्वियसली यहाँ पे हिंडर्ड कौन था, एक एस था, एक एस था, एच जो है, एच जो हाइड्रोजन एटम है ये तो काफी छोटा साइज में होता है, इसीलिए ये बॉन्ड जो बन रहा था पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच, इसको रोकने के लिए जो एक होता है ना कि एच अगर बड़ा साइज रहता तो हिंडर्ड करता, मतलब ये बॉन्ड बनाने में किसी तरह का दिक्कत करता, वो दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ, नो हिंड्रेंस लॉकर, किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं हुआ, ठीक है, नो हिंड्रेंस, ठीक है। अब गाइस यहाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव एक क्या है गाइस प्लस चार्ज है, लेकिन क्या होगा गाइस यहाँ ये कौन सा ग्रुप, ये एस तो छोटा है तो ये हिंडर नहीं करेगा, लेकिन ये आर क्या है गाइस, आर एल्काइल है, एल्काइल में कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए मिनिमम ही हम लोग ग्रुप मानते हैं, मिनिमम में क्या हो जाएगा, सी एस थ्री होगा, तो यहाँ पे सोचिए यहाँ कार्बन आएगा एक एच दो और तीन, इतना ही दूर में क्या हो जाएगा, अच्छा खासा बॉन्ड फैल जाएगा, माना कि रिपल्सन होगा लेकिन फिर भी कितना दूर जाएगा, ऑक्सीजन को तो साथ में रखना है, ऑक्सीजन तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, इतना दूर में क्या हो जाएगा, कम स्पेस में अधिक बॉन्ड। मैं स्टेरिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट बताया, कम जगह में ज्यादा बॉन्ड आ जाएगा तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा, रिपल्सन कारण क्या होगा, ये दोनों में अट्रैक्शन होने के कारण बॉन्ड तो बनेगा लेकिन काफी दिक्कत होगा, कौन दिक्कत करेगा, ये एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप मतलब बल्की ग्रुप है, तो इसी कारण क्या होगा गाइस, यहां से जो है ये जो पोटेशियम जो है ये उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब ये एल्कोहलिक के फॉर्म रहेगा, जब ये स्टेबलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या रहेगा गाइस, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रीवियस केस में क्या था, ये स्टेबलाइज हो गया तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये बॉन्ड भी तो इजिली ब्रेक कर गया, तो OH हाइड्रोक्साइड एनायन आराम से मिल गया, लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये इधर अच्छा बॉन्ड बना नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ बल्की ग्रुप अल्काइल ग्रुप आया हुआ है, इसके कारण क्या हो जाएगा गाइस, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये OH का निकलना उतना आसान नहीं होगा। अब OH को निकालना है इट मींस हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालना होगा, तभी तो क्या होगा ये गाइस ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस केस में हम लोग लगाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि आप खुद सोचो गाइस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक को हटाएं और उसी की जगह पर नया को प्लेस कर दिए, लेकिन एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक साथ बॉन्ड टूटता भी है सिस्टम में और बॉन्ड जुड़ता भी, तो टूटने और जुड़ने में ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए जहां भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहे वहां चुपचाप आप लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, यू शुड गो वाया एलिमिनेशन प्रोसेस। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रीवियस केस में तुरंत OH मिल गया तो वहां क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एल्काइल हैलाइड से कैसे हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, वो तो काफी इजी था, लेकिन उसके बाद जो ये जो दो कॉन्सेप्ट था, आखिर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आखिर क्यों एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। तो आई होप गाइस ये डिफरेंस क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आईआईटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अक्सर आईआईटी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा है कि कुछ पे इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो आई होप गाइस आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है रिगार्डिंग दिस लेसन तो बेहिचक आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, ओके बाय।